राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से सेमिनार सीआर तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर, दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सच, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ग्लोबल वार्मिंग पर मोदी आज देंगे मंत्र, जलवायु पर्यावरण सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे पेरिस, अमेरिकी और चीनी राष्ट्रपति से भी करेंगे मुलाकात। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने दिए राजनीति से संन्यास लेने के संकेत, कहा 60 साल का होने पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। लोकसभा में आज गूंजेगा असहिष्णुता का मुद्दा, सरकार और विपक्ष ने तय की रणनीति, हंगामा होने के आसार। दिल्ली विधानसभा में आज पेश होगा आपका लोकपाल बिल, बिल पर प्रशांत भूषण ने उठाए सवाल, सदन में के बाहर प्रदर्शन का किया ऐलान। आजम खान का विवादित बयान, संघ नेताओं को बताया समलैंगिक, बीजेपी नेता ने की निंदा। 16वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र आज से, विधानसभा में दिखेंगे 99 नए चेहरे, आरएलएसपी विधायक समेत कुशवाहा का निधन। आईएसआई जासूसी रैकेट का भंडाफोड़, बीएसएफ जवान सहित दो एजेंट गिरफ्तार, खुफिया दस्तावेज भी बरामद, कोलकाता से भी तीन लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के शनि सिंह नापुर में शनि मंदिर में एक महिला श्रद्धालु के प्रवेश करने को लेकर मचा बवाल, शनिदेव मंदिर में शनिदेव की शिला पर महिला को तेल चढ़ाने की मनाही। स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में, आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पंडित धनंजय दुबे जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। विषय आज का बेहद ही खास है, बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि 25 दिन बहुत ही शुभ होने वाले हैं आपके लिए, क्योंकि शुक्र जो कि शुक्र है कि अपने लौट आए हैं अपनी ही राशि में, तुला राशि में आए हैं, और इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और खास तौर पर प्यार ही प्यार बढ़ेगा। तो क्या कुछ लाभ पहुंचाने वाले हैं शुक्र, आइए जानते हैं, विस्तार से जानकारी लेंगे आचार्य जी से। जी जी देखिए, आज के दिन ही
शुक्र अपनी राशि में आ रहे हैं और आ नहीं रहे आ चुके हैं 7:45 पे तुला राशि में आ चुके हैं। हाँ शुक्र की जहाँ पे बात हो वहाँ पे सिर्फ प्यार ही प्यार रहता है और हम भी आज बात करेंगे सिर्फ प्यार की और कोई बात नहीं होगी। हम आपको वो सारी बातें बताएंगे कि आप प्यार में जब धोखा खाते हैं तो कैसे बचें, दिल टूटता है तो दिल को कैसे संभालें। साथ ही साथ ये तो होगा ही, प्यार मोहब्बत की बातें तो होंगी होंगी, साथ ही साथ आपको किचन पिटारा भी देंगे, बड़ा विशेष रहेगा और लकी अक्षर बिल्कुल आपके सुरक्षा के लिए हमारे पास है। जी हाँ, और साथ ही साथ लकी अक्षर तो देंगे ही और साथ ही साथ बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से भी, पर उससे पहले बात करेंगे आपकी रक्षा के बारे में। आप बिल्कुल सुरक्षित रहें, जिस किसी भी काम के लिए अपने घर से जाएं, काम भी बन जाएं आपके और आप बिल्कुल सुरक्षित अपने घर आएं, इसके लिए लेकर चलिए अपना खास रक्षा कवच। बात करेंगे आपके सुरक्षा की, रक्षा कवच की, तो आप नोट करें आज दिन सोमवार। आज आपको क्या करना है कि घर से निकलने से पहले आप अपना मुख एक बार शीशे में दर्पण में जरूर देखें, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखें, काम पे चलें। बात करते हैं कल की, दिन मंगलवार। कल जब आप घर से निकलेंगे तो आप अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक धारण करें और फिर आप अपने दिनचर्या में लगें, सुरक्षित रहेंगे, रक्षित रहेंगे। जी हाँ, और किसी भी तरह के इम्तिहान के लिए अपने घर से आप जा रहे हैं, इम्तिहान में बिल्कुल सफल होकर अपने घर आप आए और खुशी आपके चेहरे पर आए, इसके लिए लेकर चलिए अपनी खास सक्सेस की। बात करेंगे आपके सफलता की, सक्सेस की। करना क्या है आज दिन सोमवार की, 5 लौंग ले और 5 लौंग पर सिंदूर लगाएं, पान के पत्ते पर ये लौंग रखेंगे और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए किसी भी मंदिर में रख दें, सफलता कदम चूमेगी। बात करते हैं कल की, दिन मंगलवार। कल जब आप घर की जब चलें आप परीक्षा के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो आपको करना क्या है कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके 5 बार गणेशाय नमः का उच्चारण करें और गणपति जी का ध्यान करें, सफलता कहीं दूर नहीं होगी आपसे। जी हाँ, और 25 दिन बरसेगा प्यार ही प्यार। आप जो जिनसे प्यार करते हैं और आप चाहते हैं उनसे आपकी शादी हो जाए तो ये भी मुमकिन है, लेकिन प्रयोग आपको अपनाने होंगे जो हम आपको बताएंगे आगे। पर उससे पहले हम बात करेंगे, कोलकाता से अमिताभ जुड़े हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम जी। मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना है जी, जी। बताएं जन्म की तारीख। जी, जन्म की तारीख है 5 मई 2003 जी। समय सुबह 6:40 जी। स्थान मोतिहारी बिहार जी। जी, मुझे इसके कैरियर के बारे में जानना है, ये किस लाइन में जाएंगे, इंजीनियरिंग, मेडिकल या और कोई जीविका का साधन होगा। अभी पढ़ाई में थोड़ी सी चंचलता है तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो इसके लिए क्या करना हो? जी जरूर, देखिए वृषभ लगन की कुंडली है, वृषभ राशि बनती है और राहु की महादशा चल रही है बच्चे की। बात करेंगे पढ़ाई की, तो पढ़ाई में थोड़ा सा मन भटकेगा, आलस रहेगा और साथ ही साथ आपने कहा कि क्या लाइन दें, तो मैं आपको यही कहूंगा कि टेक्निकल लाइन और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, टेलीकम्युनिकेशन से हो, इंजीनियरिंग में ये लाइन द बेस्ट है। और बच्चे का मन लगे पढ़ाई में, इसके लिए आपको क्या करना है कि आप घर में माँ सरस्वती का एक तस्वीर रखें बच्चे के स्टडी रूम में और उसके आगे एक कपूर जलवाया कीजिए और साथ ही साथ सरस्वती यंत्र घर में स्थापित करें, बहुत लाभ देगा। जी हाँ, तो चलिए अब आपको आज के विषय के बारे में जानकारी देते हैं। प्यार का कारक ग्रह माना गया है शुक्र और शुक्र जो है तुला राशि में प्रवेश कर चुके हैं। पूरे 25 दिन बरसेगा प्यार ही प्यार, यानी कि जिनसे अगर आप प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि खास तौर पर जिनसे प्यार करते हैं चाहते हैं उनसे आपकी शादी हो जाए तो ये भी मुमकिन है। आपको शादी के बाद छेड़ देनी चाहिए, साथ ही साथ एक उपाय करना चाहिए ताकि शादी पक्की हो जाए। क्या है वो उपाय, आइए आपको बताते हैं।
बात करेंगे शुक्र की। शुक्र आ गए हैं तुला राशि में। तुला राशि में आने पे आपकी सारी मनोकामनाएं जो दिल से जुड़ी हुई हैं जरूर पूरी करेंगे। जब आप हाथ मांगने जा रहे हैं शादी करने के लिए अपनी प्रेमी की प्रेमिका की, तो आपको एक ऐसा उपाय बता रहे हैं कि जब हाथ मांगने जाएं तो सिर्फ कन्या या लड़के का ही हाथ मिले, अन्यथा किसी का हाथ ना मिले। तो इसमें करना क्या है कि जब जाने से पहले एक चांदी का सुंदर सा गहना आप किसी भी छोटी बच्ची को उपहार स्वरूप दें और फिर आप अपने मन की बात जाकर रखें, आप प्रपोज करें, तो इसमें आपको सफलता मिलेगी, आपकी प्यार की सुनवाई होगी और शुक्र कहीं ना कहीं ये उपहार देने से मजबूत होगा और मजबूत होते ही प्यार परवान चढ़ जाएगा। जी हाँ, अमरावती से जया जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। हाँ, नमस्ते नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। हाँ, 27/4/81 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 27/4/81 जी, समय जी, सुबह 5:35 और प्लेस अमरावती जी। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि पंडित जी, मुझे है ना अपना घर कब होगा ये बता दीजिए, और मुझे है ना बीमारियां बहुत है स्किन से, बोले तो स्किन में हमेशा कुछ खुजली वगैरह ऐसे होते रहती है और शुगर भी थोड़ा बढ़ गया है ऐसे। हाँ, तो आप बताइए ये दो ही उपाय के लिए अच्छी सी अच्छा सही इलाज होता है ये। जरूर देखिए, मेष लगन की कुंडली है और जो राशि बनती है मकर राशि बनती है, चतुर्ग्रही योग बना है कुंडली में और केतु चंद्रमा के साथ हैं और आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रसित है। ऐसी स्थिति में राहु की महादशा चल ही रही है, तो ऐसी स्थिति में वाकई आप सही कह रही हैं कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो आपको हम एक उपाय बता रहे हैं कि करना क्या है कि आप मूंगा धारण कीजिए, कम से कम 8.25 रत्ती का चांदी में पहनिएगा और लेफ्ट हैंड में पहनिएगा रिंग फिंगर में, और साथ ही साथ जब भी आप स्नान करें तो नहाने वाले पानी में थोड़ा सा फिटकरी डालें और स्नान करें, लाभ देखिए, लाभ मिलेगा, आप हमें जरूर बताइए। जी हाँ, और शैलेश से अब हम बात करेंगे, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। वाशिंग से शैलेश। हेलो जी, जी। हाँ नमस्कार पंडित जी, शैलेश जोशी बोल रहा हूँ वाशिंग से। हाँ नमस्कार जी, जी। हाँ सर, मैंने CRP के आप रिटर्न एग्जाम दिए जी जी। हाँ उसके बारे में पूछना था, मेरी जन्म तारीख है 9 जुलाई 1996 जी। समय समय 11 बजे जालना महाराष्ट्र जी। ये समय AM है या PM? सुबह का। सुबह का जी जी जी। देखिए जो कुंडली बनती है कन्या लगन की कुंडली बनती है, शुक्र की महादशा चल रही है, मेष राशि है और शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है, कुंडली के हिसाब से उचित समय चल रहा है और आपको सफलता मिले, तो इसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि प्रत्येक बुधवार के दिन सुबह के समय में आप गणपति स्त्रोत का पाठ करें और भगवान गणपति को 2 लड्डू 1 पान चढ़ाइए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जी हाँ, और वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आप देख लीजिए कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण, ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा, बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं, ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं।
खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, शुक्र जो है अपने घर में लौट आए हैं और पूरे 25 दिन आपको एक उपहार दे रहे हैं। उपहार ये है कि प्यार का उपहार आपको मिल रहा है। जिनसे भी प्यार करते हैं उनके साथ आपके संबंध जो है वो मधुर होंगे, सुधरेंगे और अच्छे बने रहेंगे। इसके लिए आपको कुछ उपाय करने हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया था कि जिनसे आप प्यार करते हैं और उनसे अगर आप शादी करना चाहते हैं तो हाथ मांग ही लीजिए, क्योंकि रिश्ता आपका होने वाला है। ये 25 दिन कमाल करने वाले हैं आपके जीवन में। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि जिनसे आपकी शादी हो उनके साथ आपके जो रिश्ते हैं हमेशा मधुर बने रहें और जिंदगी भर जो है आपका साथ बना रहे, प्यार सदैव बढ़ता चला जाए, इसके लिए क्या करें उपाय, आइए जानते हैं। बात करेंगे अब उन लोगों की जो प्यार तो करते हैं लेकिन हमेशा एक दूसरे को लेके भरोसे में नहीं रहते, लगता है कि साथ ना छूट जाए। तो ऐसे में आप करें उपाय, बता रहा हूं। करना क्या है कि आपका प्यार हमेशा आपका ही बना रहे, इसके लिए आप एक सफेद वस्त्र और एक इत्र, सफेद वस्त्र में धोती कुर्ता कुछ भी हो सकता है, इत्र लीजिए और सफेद चंदन, चंदन की लकड़ी, सफेद चंदन की लकड़ी किसी भी ब्राह्मण को दें और विशेषतः पंछियों को बाजरा खिलाना शुरू कीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो आपके प्यार में थोड़ी बहुत छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तकरार होती रहती हैं और एक कभी कभी लगता है कि दूर ना हो जाए प्यार, तो ये नहीं होगा, मजबूती बनी रहेगी। जी हाँ, तो ये वो उपाय हैं जो आपके जीवन साथी को आपके प्रति समर्पित रखेंगे और विश्वास प्यार को बढ़ाएंगे। और आगे आपके रिश्ते में कभी कोई अनबन ना हो इसके लिए भी एक उपाय है जो हम आपको आगे बताएं, पर उससे पहले बात करेंगे साहिबाबाद से, स्वाति जुड़ी हैं। स्वागत है आपका स्वाति जी शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछे आप। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 अक्टूबर 1994। जी, समय? समय रात को 2 बजे। अच्छा, प्लेस? साहिबाबाद गाजरा यूपी। जी, क्या सवाल है स्वाति आपका? सर, मैं अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ और दूसरा हम घर बदलना चाहते हैं और मेरी मम्मी की ना तबीयत बहुत खराब रहती है। जी जी, सिंह लगन की कुंडली बनती है और मेष राशि बनती है, अष्टम भाव में शनि की दूसरी ढैया चल रही है, अष्टम भाव में शनि है गोचर में और शुक्र की महादशा। हाँ, मेडिकल की बात आपने की, अच्छी बात है, तैयारी में लगे रहिए और एकाग्र होकर लगिए तैयारी में, सफलता मिलेगी। रही बात आपकी मम्मी की तबीयत की, तो देखिए यहाँ पे सूर्य और शनि जो अष्टम भाव में बैठे हैं और विशेषता आपके कुंडली में नीच का मंगल है द्वादश भाव में, तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, आप खुद कीजिए, आपकी मम्मी अच्छी हो जाएंगे। आप प्रत्येक रविवार के दिन सुबह सूर्य को जल दें और साथ ही साथ मम्मी के निमित्त गुड़ का दान कीजिए, इससे लाभ होगा। और घर में लौंग जलाना शुरू कीजिए, उनके स्वास्थ्य पे भी अच्छा असर पड़ेगा। जी हाँ, और चलिए अब आप सबको बताते हैं आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अशुभ समय यानी कि राहु काल। बात करेंगे राहु काल की, आज दिन सोमवार, आज का राहु काल आप नोट कीजिए। समय आज का समय रहेगा 8:15 से 9:33 तक और कल दिन मंगलवार, कल का राहु काल का समय रहेगा 2:03 से लेकर 2:04 तक। ये वो समय है कि इसमें आप कुछ भी करते हैं सफलता साथ नहीं देती, अड़चनों में उलझते हैं, इस काल से बचें आप। जी हाँ, और एक शुभ समय होता है जिसमें आप किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, किसी भी नए काम में हाथ लगाते हैं, सफलता जरूर मिल जाती है, जिसे कहा जाता है गुलिक काल। तो नोट कीजिए आज के दिन का और कल के दिन का गुलिक काल। आज दिन सोमवार, आज का गुलिक काल का समय रहेगा 1:30 से 2:45 तक और कल दिन मंगलवार, कल के गुलिक काल का समय रहेगा आपका 12:00 से लेकर 1:30 तक। ये वो समय है कि अगर कुछ करना चाहते हैं कर डालिए, इस समय में शुभ समय है।
जी हाँ, राजेंद्र जुड़े हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका शो में। आप कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताएं फिर अपनी जन्म तारीख। राजेंद्र जी टीवी का वॉल्यूम भी बंद कर लीजिए। हाँ, राजपुर से। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? जी, मेरे को लड़के के मामले में पूछना है। जी, उनकी जन्म की तारीख? 2 सितंबर। जी हाँ, 2 सितंबर। टीवी का वॉल्यूम बंद कर लीजिए आप। देखिए यही वजह हो जाती है, कई बार कनेक्शन कट जाते हैं। हम आपसे अपील बार बार करते हैं कि टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया कीजिए जब भी आप बात करें लाइव। और चलिए अब आप सबको बताते हैं कि जैसा कि 25 दिन की सौगात है आप सबके पास, बरसेगा प्यार ही प्यार। शुक्र जो है तुला राशि में आ चुके हैं, तो ऐसे में आपके जीवन साथी के साथ जो है आपके संबंध बहुत ही प्यारे हो जाएं, मधुर हो और अनबन कभी भी ना हो, इसके लिए भी एक उपचार है, आइए आपको बताते हैं। शुक्र जो कारक है, प्रेम के कारक है, रस के कारक है, माधुर्य के कारक है, और इनकी वजह से अच्छे हैं तो समझिए कि तमाम रिश्तों में खूबसूरती के साथ तालमेल बना रहता है, प्यार बना रहता है, और पति पत्नी के बीच में जो प्रेम है वो अमर हो जाए, अमर प्रेम हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि शुक्रवार के दिन चीनी लीजिए, चीनी कम से कम 1 किलो हो, और सफेद वस्त्र में बांध कर किसी बुजुर्ग महिला को दे दें, और भगवान कृष्ण को आप बांसुरी जरूर समर्पित करें, क्योंकि ये 25 दिन का इतना विशेष समय है इस वर्ष भर में कि आपको वो चीजें देगा जो जिसकी वजह से जिंदगी की बुनियाद टिकी होती है, प्रेम प्यार। जी हाँ, और अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की, तो चलिए लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका शो में। अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है। हेलो जी। हाँ जी, मेरा नाम सागर है, राधे राधे पंडित जी। हाँ नमस्कार जी। सागर कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, देशांगन से। जी, बधाई आपको, आज के लकी कॉलर हैं आप। जी जी, सागर किनके बारे में जानना चाहेंगे आप? जो अपने बारे में जानना चाहूंगा। बताएं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मेरी 16 अक्टूबर 1994। समय है सुबह 8 बजे। और प्लेस? प्लेस है दिल्ली, देशांत गार्डन से। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरे ना मैं पिछले 2 वर्ष से ना सर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, फिर उसके बाद ना मेरे एग्जाम भी देता हूँ, लेकिन मेरे ना एंड मोमेंट पे काम खराब हो जाता है और मैं उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता हूँ। जी, मेरी नौकरी कब तक लग पाएगी और कब हो पाएगा? और दूसरा ना, मैं एक हाल फिलहाल में ना एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, जिसमें मैं ऑनलाइन ना कपड़ों की सेल करूंगा। जी, तो उसका मेरा बिजनेस कैसा रहेगा, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। जी जरूर, देखिए तुला लगन की कुंडली है, कुंभ राशि बनती है, और लगन में चतुर्ग्रही योग बना है, बृहस्पति राहु शुक्र ये लोग बैठे हुए हैं, बुध के साथ हैं, लेकिन राहु की शनि की महादशा और केतु की अंतरदशा चल रही है, तो ऐसी स्थिति में हम आपको यही कहेंगे, चूंकि दशम भाव में मंगल नीच के हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यही कहेंगे कि आप मेहनत कीजिए, मेहनत का फल मिलेगा, और इसके लिए कि आप जो करें वो मिल ही जाए, हनुमान जी का ध्यान किया करें और अपनी बातें कम बताया कीजिए दूसरों को। और रही बात व्यवसाय की, आपने बात की, तो देखिए उपयुक्त समय आपकी कुंडली से 24 दिसंबर 2016 से आ रहा है बिजनेस के मामले में, उसके बाद सफलता साथ देगी। हाँ, मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप पन्ना और नीलम या नीलम का सब्स्टिट्यूट जरूर धारण करें, इससे आपको लाभ। जी हाँ, और आगे हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका आपके जो प्यार है आपसे रूठ गया है और आप चाहते हैं कि वो मान जाए, तो इसके लिए भी यही सुनहरा अवसर है आपके पास, 25 दिनों का उपाय आपको आगे बताएंगे इसके लिए। लेकिन जबलपुर से प्रतीक जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछे आप। जी गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। मैं पुत्री के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। जी जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 4/9/1993। जी, डेट ऑफ बर्थ 4/9/1993, शाम 6:15। जी, जन्म स्थान? जी
जन्म स्थान बताएं? जन्म स्थान जबलपुर, मध्य प्रदेश। जबलपुर जी। उसकी शादी का युग कब बन रहा है पंडित जी? जी जरूर। शादी का युग कब बन रहा है जी? उसमें किस क्षेत्र में नौकरी की उसकी वो है? नौकरी किस क्षेत्र में करेगी? ठीक ठीक, शादी पे बड़ा जोर है, बता रहा हूँ, शादी करवा रहा हूँ आपकी। देखिए कुंभ लगन की कुंडली है, मीन राशि बनती है, शुक्र की महादशा चल रही है और शादी का जो योग बन रहा है आपकी कुंडली से वो 2018 से बन रहा है, फरवरी से। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 2018 से अच्छा समय आ रहा है, अच्छा जीवन साथी मिलेगा। बात करेंगे आपकी नौकरी की, तो नौकरी में जो योग है मई 2016 से बहुत अच्छा समय आ रहा है, क्योंकि अभी शुक्र में राहु है तो उलझने थोड़ी थोड़ी चीजें होती रहेंगी, ऊपर नीचे होता रहेगा। इसके लिए आप उपाय करें, आपको उपाय बता रहे हैं, आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। इससे क्या होगा, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करने के साथ साथ भगवान सूर्य को अर्घ दें रोजाना, इससे क्या होगा, शादी भी मनपसंद होगी और नौकरी भी आपकी अच्छी होगी। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे देखिए इसकी एक झलक हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है, मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ, सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप, हथेली पर दुनिया, डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान, लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान, यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल, जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग, ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से सेवन आरसीआर तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर, दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया।